करीब 5 महीने पहले सीकर से लौट रहे संगरिया के एक परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 जनों की नहर में गिरने से मौत का एक मामला आया और एक बड़ी दर्दनाक दुखद घटना थी। उस घटना के बाद बहुत से कयास लगते रहे किस तरीके की दुर्घटनाएं थी और गाड़ी लखवाली रोई में इंदिरा गांधी नहर में गिरने की बात सामने आई और उसमें ड्राइवर बच गया और बाकी एक परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 जनों की मौत हो गई। उसमें संगरिया के विनोद कुमार जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ SKM में कार्यरत थे उनके वो उस घटना में उनकी मौत हो गई। इस दौरान बहुत कयास लगते रहे, पुलिस ने जांच की, लगातार 5 महीने का समय गुजर गया। तो अब कल जैसा कि SP मैडम प्रीति जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे राज का पर्दाफाश किया, किस तरीके से कौन कौन लोग शामिल थे, किस परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के बाद सारी परतें खुल गई। तो मेरे साथ हैं आज विनोद कुमार जी के परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी माता जी और उनकी बेटी दिया और साला उनके ब्रदर इन लॉ, क्या शुभ नाम है जी? रमेश सिदाना रमेश सिडाना जी, हाँ आपकी तरफ से प्राथमिकता दर्ज जी की गई। तो हाँ मैं दिया से जानना चाहता हूँ, जो पुलिस ने अभी जांच की है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे मामले का खुलासा हुआ है, उससे आप किस तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हम पूरी तरीके से संतुष्ट है पुलिस की जांच से कि उन्होंने अपराधी को सजा दिलवाई है और हम उनकी जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हाँ, कि वो जो जो इसकी परतें हैं सही दिशा में एक खुली केस है। सही दिशा में जा रहा है और SP मैम ने बहुत सहयोग किया हमारे साथ। पूरे ढंग से केस पे उन्होंने नजर रखी, हमारी हर बात को सुना, समझा और हमारा हर तरीके से सहयोग किया। आप जो पुलिस की जांच थी लगातार 5 महीने चली, उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं कि आपके साथ न्याय हुआ है? जो 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 आपको लगता था कि जिस तरीके के खुलासे होने चाहिए थे, जिस तरीके से जो लोग इस हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे, उनका सही खुलासा हुआ है? हाँ अभी तक तो सब सही खुलासा हुआ है, पर हम प्रार्थना करेंगे SP मैम से भी और कि आगे उस आरोपी को जल्द से जल्द जेल हो जाए, उसे उसकी सजा मिली जाए और अगर कोई आदमी या कोई भी इंसान उसके साथ मिला हुआ है तो इस साजिश में तो उसका भी पर्दाफाश किया जाए और उसे भी सजा मिली जाए। आपके कहने का आशय है कि जो SP महोदया के निर्देशन में जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं जी और जो अभी दोषी निकले हैं उन पे पुलिस जल्द से जल्द मुख्य एक आरोपी रमेश स्वामी न्याय को, अनुसार कार्रवाई मुख्य करें। आरोपी हाँ रमेश जी, स्वामी को भी सजा पूरी मिलनी चाहिए, हाँ जी, उसकी हाँ जी, गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। हाँ जी, आपके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, किन परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ, थोड़ा सा पीछे जाके, 5 महीने पीछे जाके इस घटनाक्रम को समझाइए और किस तरीके से आपको ये इस भयंकर पीड़ा के बाद में भी अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ा और अंततः न्याय मिला, तो आपको किस तरीके का एक सुकून मिला है, थोड़ा राहत मिली है? आज न्याय मिलने से हमें खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया और सही सच्चाई सामने आई। इसके लिए मैं प्रीति मैम और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ और संगरिया के सभी गणमान्य नागरिकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और संस्था के सभी कर्मचारियों ने हमारा परिवार की तरह सहयोग किया। इसलिए हम संगरिया मंडी के आभारी हैं। हमारे जो अरोड़ावन समाज सभी संगरिया के सभी ने हमारा पूरा सहयोग दिया कार्रवाई में और हमारे रामोधाम के अध्यक्ष महोदय सरवारा जी का पूर्ण सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज हम सभी संगरिया के सभी सहयोग की वजह से आज हम
इस मुकाम पर पहुंचे और हमें ठीक है जो उनकी कमी तो नहीं पूरी हो सकती, जो हो गया वो बड़ा दुखदायी है, सारी उम्र नहीं भूल सकते उस चीज़ को, पर आज सच्चाई सामने आने से हमारा हमें राहत मिली है। और अभी पुलिस प्रशासन से यही है, ये मुख्य आरोपी रमेश स्वामी को गिरफ्तार हुए, कुछ और भी बाकी है तो सामने आए और जिससे हमें सलाखों की कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये ध्यान में रहे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना कभी ऐसी कभी अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो, आगुना ना हो। और एक एक हंसते खेलते परिवारों को एक पीड़ा का कितने ही सामना। परिवारों को उन्होंने उजाड़ दिया और रमेश स्वामी अपना धोखा दिया उसने, क्योंकि तो किसी भी निंदा की उसका महंगी। ठीक है, ये परिवार के लोग यहाँ हैं और पीड़ा तो कम नहीं हो सकती, परंतु एक राहत की बात है, एक न्याय मैं मिला है परिवार को। और पुलिस का, संगरिया शहर का, ग्रामोत्थान विद्यापीठ परिवार का और समाज के सभी लोगों का इन्होंने एक आभार व्यक्त किया है। जिस तरीके से वो साथ, सारे लोग साथ खड़े रह के इनको न्याय दिलाने में बने रहे हैं, और आगे इन्होंने आग्रह किया है कि आरोपी को की गिरफ्तारी, जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको तुरंत पूरा करके वो पूरी करे, और इस परिवार को एक थोड़ा सुकून मिला है इस बात से, और बार बार इन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद शुक्रिया सभी किया। वासियों, दिल से ठीक है जी। धन्यवाद।